मेरी बहन उठो, पहचानो तो सही कौन है। उठा भी जाए, जरा आंखें खोलो और पहचानो। आंखें खोलती तो फिर रोना क्या था, अब आंखें किस की लाऊं। देखने के थे दो साथ पूरा तो सारे चल गए, खाली कोलिक रह गए आंखों के तारे। ए भाई तू ही बता दे कि कौन है। माता जी आपका महान निजी पापी भरत, तेरे मन की मुरादे सो पूरी हुई, तेरी माता ने ले उनकी लाई। माते मेरा ऐसा बिल्कुल भी ख्याल नहीं था, और यहाँ तक मेरी जा रहे हैं।
करो राज तुम, जाओ बेटा खुशी से करो राज तुम, बेटे माता तेरी ने बताई काम हो गया और अयोध्या का कुलराज तेरे नाम हो गया। जो कुछ चाहता था वह तुझे मिल गया और रामचंद्र का कांटा भी तेरे दिल से निकल गया। अब तू ही अयोध्या का मालिक व मुख्तियार है। यदि मेरी भी सूरत नहीं सुहाती तो मुझे जिंदगी खुद नहीं पाती, मगर क्या करूं, बेशरम ये जान निकल को भी नहीं आती। अगर रामचंद्र का ख्याल है तो मैं 14 वर्ष से पहले यहां नहीं आ सकते। मन के मंगल गाओ। यो न गायल करो बोलिया
पद पर ब्रह्म हो गया। माता जी, मुझे आपके चरणों की सौगंध है, इस जरारत का मुझको बिल्कुल ही पता नहीं। माता जी, क्या आपको ऐसा विश्वास है कि मैं भाई रामचंद्र जी को वनवास दिलाऊं और खुद ऐसे उड़ाऊं? हाय हाय, अब तो यकीन हो गया कि भारत का हर देश मलिन हो गया। अब तो पिताजी के मरते ही चारों ओर विपत्तियों के बादल छा गए और इस कुल के अंतिम दिन आ गए। भरत सब कुछ सैन्य को तैयार है। हाय हाय, न मैं उस पापन के पेट से पैदा होता और न ही आपका मेरे लिए ऐसा उल्टा दान होता। माता जी, परमेश्वर के वास्ते इतनी बेहमी से तुम मेरी जान न निकालो और ऐसे विष भरे जहर मेरे सीने पर न चलाओ। हाय हाय, मेरी मौत भी मुझसे डर रही है। परमेश्वर, मुझे मौत की खैरात दे और तो सब शत्रु हो गए, तुम तो मेरा साथ दे। पिताजी, तुझे क्या हो गया बेटा? मैंने कल से तेरे कमर हाथे को दुखाया। मेरे बच्चे, मैं तेरा दुख देखा नहीं जाता। बेटा, मेरा अपराध माफ कर दो। अब तो उठकर आत्म साफ करो। भरत, बेटा भरत, उठो, अब तो बहुत जल्दी हो चुकी। किसी को भेजना कि वेदी को बुला रहे। मेरे भारत की हालत कुछ अवसर होती जा रही है। नहीं नहीं, व्यथा बंद करती है। परमेश्वर की दया से भर बिल्कुल ठीक है, केवल बेहोश है। मैं भी इसको होश में लाती हूँ। मुझे न जिंदगी की चाह है,
कोई परवाह है। बेटा मैंने तो अपने मृतक पर पा लिया, परमेश्वर के वास्ते ऐसे दिल के भीतर न निकालो। बेटा पहले महाराज के दम का अंतिम संस्कार करना चाहिए और जो सामान चाहिए वो जल्दी से मंगवाना चाहिए। गुरुजी आपके होते हुए इतने अत्याचार होते रहे, क्या आपको पता नहीं था? बेटा जो तुम कहते हो वो सच है, परंतु क्या करूं, सारी चतुराई खाक में मिल गई और वही बात पूरी हुई जो कतई के जुबान से निकल गई। अब इन गई गुजरी बातों को छोड़ो और महाराज के सब का अंतिम संस्कार के का फिक्र करो। जो मैं कहती हूँ उसे मंजूर करो। तुम देखते हो इस समय अयोध्या का कक्ष बिल्कुल खाली पड़ा है, तमाम नगरी वीरान हो रही है और प्रजा परेशान हो रही है। अब अयोध्या का राज संभालो और राज का इंतजाम करो। माता जी आप ये क्या फरमा रही हैं और मुझे क्यों पापों के कर्मों में डाल रही हैं? मैं किसी भी अवस्था में आपकी ये आज्ञा मंजूर नहीं कर सकता। भाई रामचंद्र जी ही राज के मुख्य अधिकारी हैं, आप मुझे राज के लिए कहती हैं, मुझे तो अयोध्या में रहना भी आभार है। वास्तव में भाई रामचंद्र जी राज के हकदार हैं, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मैं इसी समय वहां जाऊंगा और उन्हें वापस लेकर आऊंगा। अगर मेरे कहने पर वापस आ गए तो बेहतर, वरना 14 वर्ष तक मैं भी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा ताकि कैकेयी को भी पता चल जाए कि उसका बेटा भी उसकी आंखों के सामने की जंगल में जाएगा, ताकि उसको भी मालूम हो जाए कि किसी माता को पुत्र की जुदाई का कितना दुख होता है। बेटा निसंदेह आपका विचार तो ठीक है,
और रामचंद्र से अधिक आपका कौन मित्र है? अब राम तो वापिस आ नहीं सकते, इसलिए इन विचारों को दिल से निकालिए और 14 वर्ष आप प्रजा को संभालिए। यदि आप ही वन में जाओगे तो अयोध्या का क्या होगा? रामचंद्र जी की निस्बत आपका ऐसा विचार है तो समझ लीजिए भरत को भी 14 वर्ष का वनवास है। अगर मैंने माता कौशल्या का दूध नहीं किया मगर जन्म तो इसी घर में लिया है। अगर भाई रामचंद्र जी ने अपना धर्म पालन करना में दृढ़ता दिखाई है तो भरत भी उनका भाई है। जान पर खेल जाना मेरे लिए आसान काम है, परंतु राजगद्दी पर पांव रखना बिल्कुल हराम है। आप बातों ही बातों में नहा देर न कीजिए और मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। यही इरादा है तो हम भी आपके साथ जाएंगे और नहीं तो एक बार उल्टा मुखड़ा देख आएंगे। तो बेटा तुम राम के पास अवश्य जाओगे? हाँ गुरुदेव, मैं अवश्य जाऊंगा। अच्छा तो अब चलने की तैयारी कीजिए। जय श्री राम जी।